स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोर द ग्रेट आउटडोर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ परशुरामेश्वर महादेव के बारे में। तो परशुरामेश्वर महादेव एक मंदिर है, मेरठ से 30 किलोमीटर दूर है ये, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बागपत, मेरठ के पास ही है। यह अभी भोलेनाथ का श्रृंगार का टाइम है, इसीलिए अंदर गेट बंद किए हैं। श्रृंगार के बाद 6:30 बजे आरती के टाइम पे फिर से गेट खुलेंगे। श्रृंगार चल रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, हम लोग हैं परशुरामेश्वर महादेव। तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया, हमें दर्शन तो हो गए पंडित जी से रिक्वेस्ट करके, वैसे ये जो टाइम है 4 बजे से शाम को 6:30 तक, ये भगवान जी के श्रृंगार का टाइम है। तो इसलिए मंदिर को प्रसाद भारी चढ़ रहा था लोगों का, तो शिवलिंग तक नहीं जा पा रहे थे, पर मैं आपको लेके गया हूँ और मैंने भी दर्शन किए हैं, आपने भी। तो पंडित जी ने दर्शन करा दिए, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंदिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से दूर चल के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोर द ग्रेट आउटडोर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ परशुरामेश्वर महादेव के बारे में। तो परशुरामेश्वर महादेव एक मंदिर है, मेरठ से 30 किलोमीटर दूर है ये, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बागपत, मेरठ के पास ही है। और मैं इसके बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे जो गांव है, मेरे गांव से कुल 8 किलोमीटर दूर है यार।
जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा हिंडन नदी का इलाका है। कभी हिंडन यहाँ बहुत पवित्र नदी और बहुत बड़ी नदियों में से एक नाम है, हिंडन नदी बहा करती थी। और इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर की पुरानी कथाओं में से जो है, ये मंदिर परशुरामेश्वर इसलिए है कि ये भगवान परशुराम जी ने खुद इसकी स्थापना की थी यहाँ के शिवलिंग की। और इसके पीछे कथा है, जो परशुराम जी के पिताजी थे ऋषि जी और उनकी माता जी रेणुका जी, वो रहते थे यहाँ पे। तो एक दिन एक राजा यहाँ शिकार पे आए थे, तो उनकी बहुत ही अच्छी सेवा करी जो रेणुका जी थी माता जी ने। और तो इस जंगल में इतनी, ये कजरी वन के नाम से जगह थी जब पुराने टाइम पे, कजरी वन कहा करते थे। तो इस जंगल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देख के राजा महाराजा, मतलब राजा और जो उनके साथ थे सैनिक, उन्होंने पूछ लिया कि इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कैसे कर दी इतने कम समय में जंगल में, कजरी वन में कुटिया में रहा करते थे, तो जब आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। उन्होंने कामधेनु गाय का जिक्र कर दिया। अब राजा की इस पर नीयत ख़राब हो गई, राजा ने मांग ली वो कामधेनु गाय, जिसमें कि ऋषि घर पे, ऋषि जी यहाँ थे नहीं, तो माता जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे कामधेनु गाय तो नहीं दे सकती, आप और कुछ मांग लीजिए, मैं वो नहीं दे सकती। तो मेरे पीछे बहुत सारे बंदर हैं यार, पर चलो फिर भी बता देता हूँ। डिस्ट्रैक्ट कर दिया बंदरों ने, जबरदस्ती राजा ने फिर हट किया और जबरदस्ती माता जी को और कामधेनु गाय को ले गया यहाँ से। शाम के टाइम कुटिया पे आश्रम पे ऋषि आए, उन्होंने देखा माता रेणुका यहाँ है नहीं, और वो ले गया हस्तिनापुर जहाँ उनका महल था। तो अगले दिन जब माता जी आई कुटिया और उन्होंने बताया ऋषि को कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है, और ये संज्ञान उन्हें पता चला पूरा कि कामधेनु को और इनको ज़बरदस्ती ले गया था, तो ऋषि ने अलाउड नहीं किया उस टाइम कि आप पराए इंसान के साथ एक दिन रह के आई हो, तो उन्होंने कुटिया में उनको अलाउड नहीं किया और निकाल, बल्कि अपने चार पुत्रों को आज्ञा दी कि इनका सर धड़ से अलग किया जाए। तो कोई उनमें से किसी ने ऐसा करने की चेष्टा नहीं की, पर अपने पिता की आज्ञा मानते हुए भगवान परशुराम ने अपनी माता का सर कलम कर दिया, धड़ से अलग कर दिया था। बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ जब सारी बात पता चली, और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव ने उन्हें वरदान भी दिया, माता को जीवित भी किया गया, माता को जीवित भी, जीवनदान भी मिला और वरदान में, और तो तब भगवान शिव ने ये तपस्या की थी। माता जी यहाँ रोज़ कच्चे घड़े से इसी हिंडन नदी से जल लेके जाया करती थी, और वहाँ मेरे पीछे ही मंदिर दिख रहा है, मंदिर पे शिवलिंग पे चढ़ाया करती थी। उसके बाद 21 बार इस धरती पे वो क्षत्रियों से लड़े हैं, और इस क्षत्रियों से 21 बार मुक्त की है ये धरती, उन्होंने 21 बार हराया है। तो ये इसकी कथा है, और आज के लिए पुरानी कथा थी, और आज के टाइम पे बता दूँ तो लोकल लैंग्वेज में इसको पूरा महादेव कहा जाता है, पूरा महादेव मंदिर है ये, और इसकी इतनी मान्यता है आज भी। आप कांवड़ यात्रा के बारे में जानते हैं, जो हरिद्वार से जल उठता है सावन पे, महाशिवरात्रि पे, तो सबसे ज़्यादा जल हरिद्वार से तो उठता ही है, सबसे ज़्यादा जो जल चढ़ता है लोकल यहाँ आसपास मेरठ और बागपत और मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, यही वो स्थान है, पवित्र स्थान है। लास्ट जो रिकॉर्ड था लास्ट ईयर, कोविड की वजह से यात्रा हुई नहीं, उससे लास्ट रिकॉर्ड है 27 लाख कांवड़ ये रिकॉर्डेड है, और लमसम और भी ज़्यादा हो जाता होगा, 27 लाख भक्तों ने, शिव भक्तों ने यहाँ पर जल चढ़ाया था। तो आप समझ सकते हैं क्या क्राउड रहता है और क्या माहौल रहता होगा यहाँ पे, हर हर महादेव। और ये मैं बस आपके लिए आ जाया हूँ, क्योंकि मेरे तो गांव के पास है, मैं बहुत बार आया हुआ हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, हम अक्सर आ जाते हैं यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि महादेव से रिलेटेड हम जगह बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो मैंने कहा जो हमारे सबसे पास है और इतना पुराना इतिहास है इसका, तो इसके बारे में बताऊँ। तो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप जिनको भी ईस्ट को मानते हैं, महादेव को चलो मैं मान रहा हूँ, आपके लिए जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी भगवान हैं, अपने काम अपने आप को समर्पण करके चलो,
इसी में सेटिस्फेक्शन है, सब मोह माया है, नहीं तो थोड़े दिन में सब कुछ ऐसे ही लगने लगता है। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं भाई किसी और यात्रा पे। अभी इसी ईयर बैक टू बैक बहुत सारे प्लान हैं और अच्छी अच्छी जगह, देखो भगवान कहाँ कहाँ लेके चलते हैं। हर हर महादेव।